2010 जब हमने आखिरी बार इस कास्ट को एक साथ देखा था, उसके बाद में ये जोड़ी और ये टीमअप एक साथ कभी भी स्क्रीन पर नजर नहीं आए और 2010 में ही क्लासिक कॉमेडी फिल्म्स का एंड हुआ और उसके बाद में शुरुआत होती है मॉडर्न डे कॉमेडी की या फिर पैरोडी फिल्म्स की। 2010 में अक्षय कुमार की 4 कॉमेडी फिल्म आई थी जिसमें से 3 फ्लॉप हो गई थी, उसमें से एक एक्शन रिप्ले भी थी जहां शायद आपको कॉमेडी नजर ना आए, बट इन 2 फिल्मों को आप इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि इनके अंदर कॉमेडी थी। बट क्रिटिक्स ने 30 मार का आपको इलॉजिकल और ब्रेनलेस फिल्म बताया और बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म फ्लॉप हो गई। बट एक्चुअली में 2010 का सेकेंड बिगेस्ट ओपनिंग डे कलेक्शन 30 मार खान ने किया था, उसके पीछे का रीजन था शीला की जवानी और सेकेंड डे से लोगों ने इसके नेगेटिव रिव्यूज शुरू कर दिए जिसकी वजह से इसमें बहुत बड़ा बैक ड्रॉप देखने को मिला। बट अगर मैं बात करूँ 30 मार खान की तो वो आज भी मेरे लिए गिल्टी प्लेजर है। मुझे उस फिल्म को देखने में मजा भी आता है और हंसी भी आती है क्योंकि जिस तरीके से लोग कहते हैं कि ये एक इलॉजिकल ब्रेनलेस कॉमेडी है, तो पर्सनली मुझे लगता है कि कॉमेडी फिल्म्स के अंदर लॉजिक नहीं होता है, जहाँ पे आपको हंसी आए वहाँ पे वो एक कॉमेडी फिल्म बन जाती है और 30 मार खान के हर एक सीन में आपको हंसी जरूर आई क्योंकि कॉमेडी अपने आप में डिवाइडेड है। इंटेलिजेंट पीपल्स के लिए आप शायद सटायर कॉमेडी मूवी बना सकते हो, चाइल्डिश लोगों के लिए इस तरह की फिल्म बनाई जाती है और इस तरह के जॉनरे को कहा जाता है पैरोडी एंड 30 मार खान एक स्पूफ थी, बट लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हाई थी बिकॉज ऑफ डायरेक्टर फराह खान जिनकी प्रीवियस फिल्म थी ओम शांति ओम और मैं हूं ना, और उसी वजह से 30 मार खान फ्लॉप हुई। तो अब सवाल है कि क्या 30 मार खान फ्लॉप होनी चाहिए थी या नहीं, तो आइए आज के इस वीडियो में हम इसी सवालों को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो सबसे बड़ा रीजन आता है 30 मार खान के पीछे कि इस फिल्म ने एक नए जॉनरा की शुरुआत की थी और उस जॉनरा को कहा जाता है पैरोडी, क्योंकि इसके बाद में जो हमें कॉमेडी फिल्म देखने को मिलती है वो सारी ही पैरोडी जॉनरा में आती है और उन सारी फिल्मों के जोक्स का लेवल 30 मार खान से बहुत ज्यादा कम था। बट स्टिल ऐसी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल होती है क्योंकि लोगों को अब इस तरह की ही कॉमेडी देखने की आदत लग चुकी है और इसी वजह से जब आप इन पैरोडी फिल्म्स को देखते हैं उनके कंपैरिजन में ये गॉड लेवल की पैरोडी फिल्म थी, बट लोगों ने इसे इलॉजिकल मीनिंगलेस डबल मीनिंग फिल्म कहकर नकार दिया। बट दूसरी फिल्म आती है जिनमें ये सब नहीं था, वो एक लॉजिकल फिल्म थी जहाँ सोशल इशू भी दिखाया जाता है और जहाँ पर कमाल की कॉमेडी देखने को मिलती है। फिल्म का नाम है खट्टा मिट्ठा। ये फिल्म 2010 में आई थी और ये फिल्म भी फ्लॉप हुई और कमाल की बात यह है कि यही वो आखिरी फिल्म थी जहाँ पे आपको क्लासिक कॉमेडी देखने को मिलती है क्योंकि इस फिल्म के बाद में क्लासिक कॉमेडी पूरी तरीके से खत्म हो गई। तो आखिरकार सवाल फिर से घूम फिर कर वही आ जाता है कि 30 मार खान अगर सेंसलेस तो फिर खट्टा मिट्टा में से क्या रीजंस थे जिस वजह से यह फिल्म भी फ्लॉप हो गई। आइए इस वीडियो में हम इसका भी सवाल के जवाब ढूंढते हैं। तो एक्चुअली मैं 2010 में इन दोनों ही फिल्मों को मैंने थिएटर में देखा था, तो मेरा एक्सपीरियंस मुझे आज भी याद है कि खट्टा मिट्टा के साथ में कुछ ऐसा हुआ था कि हमारी एक्सपेक्टेशन थी ये कॉमेडी फिल्म होगी और लास्ट के जो 30 मिनट्स थे जहाँ पे उसकी बहन की डेथ हो जाती वहां से ये फिल्म एक सीरियस और इमोशनल जर्नी पर चली जाती और उसकी वजह से तब मुझे ये मूवी पसंद नहीं आई थी। बट जब आज मैंने इसे रिविजिट किया तब मुझे पर्सनली लगता है कि वो 30 मिनट्स काफी कमाल के थे और कॉमेडी फिल्म के साथ में या किसी भी जॉनरा वाली फिल्म के साथ में प्रॉब्लम यही होती है, इसीलिए ट्रेलर बनाया जाता है जिस ट्रेलर के अंदर आपको एक एक्सपेक्टेशन दी जाती है कि इस फिल्म के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा और वही अगर फिल्म में देखने को मिले तो ऑडियंस खुश हो जाती है। तो अगर आप कह रहे हैं कि ये कॉमेडी फिल्म है तो आपको पूरी फिल्म में कॉमेडी दिखानी चाहिए, जिस जो प्रॉब्लम खट्टा मिट्टा के साथ थी वही प्रॉब्लम चुप चुपके के साथ में भी है। चुप चुपके की शुरुआत बहुत कमाल की होती है, बहुत फनी जोक आते हैं, बट धीरे धीरे फिल्म वो भी एक सीरियस टर्न ले लेती है और ऐसे सिचुएशन पे ऑडियंस पीछे हट जाती है। फॉर एग्जाम्पल हंगामा जैसे फिल्में जो शुरू भी कॉमेडी पे होती है एंड भी कॉमेडी होती है और मिडिल में भी कॉमेडी कॉमेडी होती है, ऐसे फिल्मों पे लोग खुश होकर बाहर निकलते और पॉजिटिव रिव्यू देते। बट जब आप फिल्म में दोनों इमोशंस को ऐड करते जहाँ पे सीरियस भी कर रहे हो और कॉमेडी भी कर रहे हो वहाँ पे प्रॉब्लम आती है लोगों के मिक्स रिव्यू, और खट्टा मिट्टा को मिक्स रिव्यू मिले थे, लोगों को पसंद भी आ रही थी और लोगों को ना पसंद भी आ रही। ये बहुत बड़ा रीजन था इस फिल्म के लिए। बट इससे भी बड़ा एक रीजन आता है कॉमेडी ओवरलोडेड। फिल्म के अंदर कॉमेडी ओवरलोड नहीं होती है बट ऑडियंस के लिए कॉमेडी ओवरलोड हो चुकी थी क्योंकि 2000 से लेकर 2010 के बीच में जो ऑडियंस ने सबसे ज्यादा जॉनरा देखा था वो था कॉमेडी जॉनरा। और एक जॉनरा की खास बात यह होती है कि वो सिर्फ एक समय के लिए ही चलता है, जैसे आज के समय पे चल रहा है ओवर द टॉप हीरो जॉनरा।
और ये जो हीरो जोनर आज के समय पर बॉलीवुड के अंदर चल रहा है ये 2028 तक देखने को मिलेगा। उसके बाद में फिल्में फ्लॉप होने लगेगी और बॉलीवुड अलग टर्न पे चला जाएगा। ऐसा बॉलीवुड बहुत सालों से करते आ रहा है। वो जो 2010 था वहाँ पे प्रियदर्शन की इस तरह की कॉमेडी फिल्मों से लोग पक चुके थे, जहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है और सिचुएशन के हिसाब से कॉमेडी हो रही है। इसी वजह से लोगों ने खट्टा मिट्टा को देखना पसंद नहीं करा और इसके बाद में प्रियदर्शन सर को भी समझ में आ गया कि ऐसी फिल्में बनाना बंद कर देता। फिर उन्होंने चुना सोशल इशू, पॉलिटिकल इशू या फिर थ्रिलर, बट उसमें भी प्रियदर्शन सर सक्सेसफुल नहीं हो पाए और इसी वजह से इस तरह की फिल्में बनना टोटली बंद हो गई। बट आज के समय पर जब लोग दोबारा इन फिल्मों को रिविजिट करते हैं तो हंस हंस कर पागल हो जाते हैं और आज के समय पर लोग ऐसी फिल्मों पर देखना चाहते हैं। बट आज के समय पर इस तरह की फिल्में नहीं देखने को मिलती, क्योंकि आज हमें देखने को मिलती है पैरोडी फिल्में। तो आप कभी भी अगर आप हाउसफुल 5 या फिर गोलबर्ग 5 को देखने के लिए जाओ और आपको लगे कि यार इस फिल्म में कुछ तो भी हो रहा है, तो समझ जाना कि इसकी शुरुआत 30 मार खान ने की। तो ये था मेरा वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले किसी बेहतरीन वीडियो में।